हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं खुशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स और आशा करती हूँ मेरी सभी दोस्त भाई बहन बहुत ही अच्छे हो इस आशा के साथ अपनी वीडियो शुरू करती हूँ तो फ्रेंड्स आज जो मेरा टॉपिक है कुछ टॉपिक नहीं है सिर्फ आपको दिखाऊँगी मेरी जो जो टमरिन की प्लांट है जो इमली का प्लांट है उसकी अपडेट मैं आपको दिखाऊँगी लगभग तीन हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी विटामिन सी टैबलेट के ऊपर कि विटामिन सी टैबलेट से आप अपनी प्लांट को कितना हरा भरा और फूल फल से एकदम भर सकते हो तो आप देख सकते हो इसकी रिजल्ट आप देखो <coughs> आप देख सकते हो आपको दिखाती हूँ, एकदम पूरी भर भर के फ्लावरिंग शुरू हो गई है देखो एकदम ऊपर से और कुछ कुछ इमली अभी लग भी रही है ये देखो आप देख सकते हो ये जो आप देखो ये इमली है ये इमली लग रही है अभी और ये देखो कितनी सारी फ्लावर इसमें हो गई है अब देखो एकदम भर भर के स्पे फ्लावरिंग हो गई है और भर भर के इस पे इमली भी लग रही है ये देखो आपको दिखाती हो ये जो सभी है ये इमली है तो मेरी एक सब्सक्राइबर है शायद उनको ये बात हजम नहीं हुई कि इतनी छोटे से पॉट पे और विटामिन सी टेबलेट का इस्तेमाल करके आप अपनी प्लांट को इतना हरा भरा और इतनी फूलों से भर सकते हो तो देखिए ये एकदम मैं एकदम सच बोल रही हूँ तो आप देख सकते हो मेरी ये वीडियो ये कोई एडिटिंग वेडिटिंग किया हुआ वीडियो नहीं है ये मेरी एकदम सच वाली वीडियो है और इस पर इतनी ज़्यादा ढेर सारी फ्लावरिंग शुरू हो गई है ढेर सारी इस पर इमली लगने वाली है और आप देख सकते हो ये मेरी एक छोटी सी एक रबर की बोल है इस पर लगाया हुआ है आप देखो इसके साथ पे बहुत सारी प्लांट भी उठा हुआ है मैं उठाती नहीं हूँ अदरक भी लगे हुए हैं कुछ कॉस्मोस के प्लांट भी लगे हुए है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है मेरा ये और ये जो प्लांट आप देख रहे हो फ्रेंड्स ये लगभग पाँच छः साल पुराना प्लांट है हर बार ही इस पर इमली आती है लगभग जब इसकी उम्र वन ईयर की थी तभी से इस पर इमली लगना शुरू हो गई और आप देखो जो सभी फ्रूट थी जो सभी फ्लावर थी वो सभी अभी इमली हो रही है देखो कुछ छोटी है कुछ बड़ी है तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आज का ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहती हो तो इसको इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही अच्छी है और क्योंकि जो आपकी फ्लावरिंग प्लांट है जो आपकी फ्रूटिंग प्लांट है उन सभी को जो एसिडिक सॉइल बहुत ही पसंद है और अभी बारिश भी है तो एकदम ईजी है आप एक आ, इमें जो विटामिन सी की टैबलेट है वो एकदम साइड से आप यहाँ रख दो तो धीरे धीरे डिकॉम्पोस्ट होकर आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देगी और आपकी को भी बहुत अच्छी बनाएगी उसकी पी लेवल ठीक करेगी और आपके प्लांट पर फूलों फलों से एकदम भर जाएगा और देखो कितनी प्यारी इमली आई है और एक्चुअली फ्रेंड ये मीठा इमली है और ये जो हाइब्रिड हाँ, हाँ, वाली प्लांट होती है ये आ, ये हाइब्रिड वाली प्लांट है और इस पर एक साल से ही इमली लगने शुरू हो गई है और जो इमली का प्लांट है जो नॉर्मल हम देसी इमली लगाते हैं तो उसको इस पर फल लगने में लगभग सात आठ साल लग जाते हैं तो ये इमली मेरे पास नॉर्मल जो आ, आ, देसी वाला है वो इमली भी है और आ, मैं इसको भी लाई थी और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरह हो रही है तो पहले मुझे इतना पता नहीं था पहले मैं खली का पानी ही सिर्फ यूज़ करती थी लेकिन इस बार मैंने विटामिन सी की टैबलेट इस पर यूज़ किया और आप देख सकते हो इस, इसकी रिज़ल्ट आप देख सकते हो तो इसको आप विटामिन सी की टैबलेट को आप इस यूज़ कर सकते हो किसी भी प्लांट में आप यूज़ कर सकते हो जो फ्रूटिंग प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट है और आप देखो तो फ्रेंड्स इसकी जो केयर करना वो भी बहुत इजी है ये आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएगा और ये प्लांट मैंने शायद 150 में खरीदा या मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत पुराना हो गया छः साल पुराना हो गया है तो याद नहीं है इतना कि इसको कितने में मैंने ख़रीदा लगभग देर वन होगी या वन होगी तो बहुत अच्छी तरह चल रही है तो आप भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो ये इमली का प्लांट और बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत छोटी भी है और उतना जगह भी नहीं लेता और आप पॉट में ही इसको लगा सकते हो तो इसलिए इसको भी आप लगा सकते हो और इसकी देखभाल भी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ आपको तो इसको लगाने के लिए जो जो मिट्टी आप रेडी करोगे मैंने तो इस पर लगभग थर्टी परसेंट गार्डनिंग सॉयल लिया है फोर्टी परसेंट भारमी कॉम्पोस्ट और थोड़ी सी बालू मिट्टी भी ली है जो सेंड होती है रिवर सेंड होती है इसको भी, भी लाया है और जिस पॉट पर भी आप लगाओगे क्योंकि इमली के प्लांट में भी उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए आप देखो कि ये जो देसी वाला इमली होती है वो भी एकदम ड्राई जगह पर उठा हुआ होता है इसलिए इसको ओवर वाटरिंग मत करना और ऐसे ही लगाना ताकि इसकी पॉट पर पानी ना जम नहीं पाए मैंने इस बोल पर लगाया है तो इस पर भी एकदम अच्छी तरह होल करके ताकि इसकी जो पानी होती है या फिर जो बारिश की ओवर वाटर होती है वो अच्छी तरह ड्रेन आउट हो जाए नीचे से ऐसे करके मैंने इसको लगा दिया और सॉइल तो आपको बता दिया थर्टी परसेंट मैंने गार्डनिंग सॉयल लिया है फोर्टी परसेंट फार्मिकॉम्पोस्ट या फिर गोबर खाद भी आप मिला सकते हो मैंने गोबर खाद ही मिलाया है बाकी मिलाया है थोड़ी सी बालू और बोन मिल जो है फ्रेंड्स बोन मिल प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो आप अगर आपके पास है बोन मिल पॉसिबल है तो आप इस पर बोन मिल भी मिला सकते हो मिला के अगर अभी लगाते हो तो एंटी फंगस का यूज़ ज़रूर करना या फिर हल्दी का यूज़ ज़रूर करना क्योंकि अभी बारिश है या फिर आने वाली है मेरी यहाँ तो आ चुकी है दो, दो दिन से नहीं हुई लेकिन आ गई है तो एंटी फंगस का यूज़ आप ज़रूर से करना एंटीफंगस अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप हल्दी का यूज़ कर सकते हो तो फंगस नहीं लगेगी तो इस तरह आप इसको लगा दो जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती हो एकदम डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को बहुत बहुत पसंद है तो जहाँ बहुत एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो तो आप इसको वहाँ रखो और पानी का चेक करके चेक चेक करके आप इसको पानी दो इस पर जो है फ्रेंड यार में एक या एक, एक साल में दो बार ही इमली आती है इमली ये जो आप देख रहे हो ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग में जब फ्रूटिंग हो जाएगी ये इमली पक जाने के बाद फिर से एकदम तुरंत ही इसकी मिट्टी मिट्टी चेंज कर दो उसके बाद ही साथ साथ ही इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है फिर से तो इसलिए इसको आप लगा ही सकते हो और बहुत अच्छा भी लगता है कि आपके गार्डन में एक इमली का प्लांट है वो भी इतना छोटा और इतनी सारी ढेर सारी इमली आपके प्लांट में लगी हुई हो और आप देखो और फ्रेंड्स ये जो इमली का प्लांट है इस पर जो है कोई भी इंसेक्ट का अटैक उतना ज़्यादा नहीं होता इसलिए उतना ज़्यादा इस पर मैं मैनीम ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं करती फिर भी करती हूँ कभी कभी करती हूँ जो जब दूसरे प्लांट पे देती हूँ तो कभी कभी इस पर भी दे देती हूँ लेकिन उतना ज़्यादा इस पर कुछ भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है आप प्लांट देख इसकी जो लीव्स है वो देख सकते हो क्योंकि अभी शाम होने वाली है तो शाम के वक्त यह होता है जो, इसकी जो लीव्स है वो ऐसे हो जाती है तो कहते हैं कि पहले मेरी नानी या फिर दादी माँ की बोलती थी कि प्लांट अभी सोने वाली है इसलिए प्लांट ऐसी हो रही है देखो ऐसे पत्तियाँ जो है थोड़ी सी ऐसे ऐसे मुरझा जाती है लेकिन कुछ नहीं ये सिर्फ ऐसे रात होने वाली है इसलिए प्लांट जो पत्तियाँ है ऐसे हो रही है तो इसको आप लगा सकते हो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह गई हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो मेरी कमेंट बॉक्स पे जाकर और विटामिन सी टेबलेट का भी आप यूज करते हो मैंने सिर्फ इमली के प्लांट पे किया है आप दूसरे प्लांट पे भी कर सकते हो तो इसी बात के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके और अपने चारों तरफ ग्रीन बनाइए एक प्यारा सा गार्डन बनाइए और अभी बारिश है तो बहुत सारे प्लांट भी आप लगा सकते हो अच्छे रहिए खुश रहिए इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू